हेलो एवरीवन, मैं सरिता, लखनऊ ब्लॉगर सरिता में आपका स्वागत है। बहुत छोटे छोटे आलू जो हमारे घर में बच जाते हैं उनको उबाल के मैंने छील लिया है। इनको कट नहीं करेंगे। अब कढ़ाई में तेल चढ़ाया सरसों का। अब इसमें डाल देंगे हल्का सा खड़ा धनिया और फिर लहसुन प्याज मिर्च डाल देंगे, फिर टमाटर डाल देंगे, नमक डाल के अच्छे से ढक के इनको गला लेना है, पका लेना है। तो ये देखिए टमाटर गल चुके हैं। तो गलने के बाद में अब हम इनको अच्छे से चला देंगे और देख सकते हैं आप लोग ऐसे इनको तोड़ देंगे। और अब हम डाल देंगे ये साबुत आलू। तो आलूओं को ऐसे ही खड़ा ही रखेंगे। अब इनको धीमी आंच पे ढक के पकाएंगे और ऐसे चलाते हुए भून लेंगे, फिर डालेंगे नींबू का रस। तो ये रेसिपी दोस्तों बहुत ही अच्छी लगती है। आप लोग बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, खुद इंजॉय कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से भून दिया है मैंने, देख सकते हैं। तो ये हमारी रेसिपी बनकर तैयार है खड़े आलू की। और इनको अब हम पूड़ी के साथ सर्व करेंगे। तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। और बच्चों को अपने टिफ़िन में ऐसा जब बना के देंगे तो वो बहुत ही चाव से खाते हैं और आलू हमारे नहीं ख़राब होते हैं। तो इस तरह से आप रेसिपी बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।